ये हमारे सोनूपाल सर हैं और हम इनसे पूछना चाहेंगे कि टर्नर में अभी ये करंट में एडमिशन लिए हैं, CITS कर रहे हैं NSTI कानपुर से। अभी हम इनसे पूछना चाहेंगे कि NSTI के जो कानपुर कॉलेज लेने के लिए कितना कट ऑफ जाएगा उसका, उसके पेपर के बारे में, CBT एग्ज़ाम के बारे में इनसे पूछना चाहेंगे। हाँ तो सर आप बताएं कि यहाँ का जो मेरिट वेरिट है वो कितने पे जाता है और एग्ज़ाम लेवल क्या है एंट्रेंस का, CITS एंट्रेंस का। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम जाता है 72 और मिनिमम 40 तक यहाँ पे एडमिशन हो गए हैं। अच्छा, मतलब कम से कम जो है 40 तक एडमिशन हो गए हैं। हाँ। और कट ऑफ इसका हाईएस्ट जो जाता है टर्नर का वो ये जाता है 72-75 समथिंग जाता है। अच्छा, फीटर का कितना जाता है लगभग कट ऑफ? फीटर का मैक्सिमम यदि देखा जाए तो 85 के करीब जाता है। और मिनिमम? मिनिमम 50 तक जाता है। 50 तक ये फीटर का जाता है। और मशीनिस्ट का बताना चाहेंगे आप? मशीनिस्ट का समथिंग ये टर्नर के बराबर ही जाता है। अच्छा, मतलब टर्नर का फीटर का लगभग ये टर्नर का मशीनिस्ट का समथिंग रहता है लगभग। हाँ। थोड़ा बहुत अंतर रहता है। प्राइवेट कॉलेज भी हैं बहुत। हाँ हाँ, मेरिट हाई चली जाती है। हाँ, फीटर के प्राइवेट कॉलेज होने के कारण फीटर की मेरिट हाई चली जाती है। हाँ। अच्छा, तो आप ये CBT जो एग्ज़ाम होता है इसका लेवल क्या रहता है एंट्रेंस? कोई हाई लेवल नहीं रहता है, ये नीमी का पढ़ के जाइए आराम से। इसके 4 PDF हैं भारत स्किल पे, उसको आप वहाँ से निकालिए और वहाँ से पढ़िए, आपको बढ़िया रेफरेंस मिलेगा, आप जाके अपना CBT एग्ज़ाम दीजिए। अच्छा, तो सर ने बताया अभी जैसा कि ये भारत स्किल से जो PDF है निमी का, वहीं से जितने भी क्वेश्चन हैं वहाँ पे सिलेबस वाइज डिवाइड हैं, ये निमी का है, टर्नर का, फीटर का, मशीनिस्ट का, वहीं से तैयारी करिए, वहीं से सब थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे। और कुछ क्वेश्चन आएंगे 25 नॉन टेक्निकल, उसमें मैथ रीजनिंग आएगा तुम्हारा थोड़ा, लेकिन उसका लेवल बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। हाँ, उसका नॉर्मल ही रहता है। अच्छा, आप यहाँ के जैसे कानपुर में आप अभी कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ आइए, आप लोग एडमिशन कराइए, आपको यहाँ पे अच्छे टीचर मिलेंगे, आपको गाइड करेंगे और यहाँ पे सब चीज़ फैसिलिटी है और यहाँ पे आइए आप। हाँ, तो सर ने बताया कि यहाँ पर मतलब बहुत अच्छा है और ये ऑल इंडिया बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, यहाँ पे अधिक से अधिक आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल करने के लिए। और यही सर, मतलब प्रैक्टिकल यहाँ पे काफ़ी अच्छा किया जाता है। प्रैक्टिकल यदि आपको प्रैक्टिकल करना है, यदि CTI आप कानपुर आ सकते हैं, बढ़िया है यहाँ पे, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जो है मतलब वैसे भी एक तरह से बताया जाता है कि कानपुर नंबर 1 है ऑल इंडिया, लेकिन यहाँ पे जो आके देखेगा, जो देखेगा उसको लगेगा कि हाँ वाकई में ये नंबर 1 है, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, तो आप यहाँ पर हॉस्टल में रहते हैं कि बाहर रहते हो? मैं यहाँ हॉस्टल में रहता हूँ। अच्छा, तो आपको मतलब हॉस्टल जैसे किस हिसाब से यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है हॉस्टल? जैसे यहाँ पे सबसे दूर से जो आते हैं बच्चे, सबसे पहले उन्हीं को दिया जाता है। अच्छा, नज़दीक से मतलब पहले सबसे पहले लड़कियों को दिया जाता है, लड़कियों को पहला मतलब चांस मिलता है, फिर उसके बाद जो लड़के दूर के होते हैं, सबसे दूर के होते हैं उनको पहले मिलता है, फिर ऐसे नज़दीक मैक्सिमम यदि आप 250 से हैं तो पहले आपको मिलेगा। मतलब जो 250 किलोमीटर दूर से हैं पहले प्रेफरेंस उनको दी जाती है और फिर उसी हिसाब से धीरे धीरे कम करते चले जाते हैं। मतलब हॉस्टल की कोई इतनी बड़ी दुविधा नहीं है, हॉस्टल मिल जाता है लगभग, लेकिन जो ज़्यादा नज़दीक हैं यहाँ कानपुर के नज़दीक के रहने वाले हैं उनको हॉस्टल नहीं मिलता है। और ये हॉस्टल में क्या क्या सुविधाएँ आपको प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर? हॉस्टल में मतलब आपको पहले मेस अच्छा खासा खाना मिलता है आपको। हाँ, 2 टाइम खाना मिलता है और सुबह का नाश्ता भी मिलता है बढ़िया। अच्छा, और ये हॉस्टल में अपने जिम वगैरह भी है? यहाँ पे जिम है बढ़िया, एकदम मस्त जिम है, आइए आप लोग एकदम अच्छे से जिम करिए। जिम है और वाईफाई की सुविधा भी है? हाँ, वाईफाई का भी सुविधा है, फ्री सुविधा है, वाईफाई की सुविधा NSTI में भी है। हाँ, NSTI में। और अगर कोई इमरजेंसी में जैसे बीमार हो जाए उसके लिए कुछ सुविधा है? हाँ, यहाँ पे डिस्पेंसरी है एकदम तत्काल, आपको 24 घंटे। अच्छा।